सूची में ये जो स्टॉक है इस कैटेगरी का वो है स्पेशलिटी रेस्टोरेंट। इनफैक्ट यहाँ पर आप देखिए ये स्टॉक्स में बहुत ज्यादा हलचल अभी तक नहीं बनी थी, बट डेफिनेटली जिस तरह से अनलॉकिंग होती हुई दिखी है उसका क्लियर कट इम्पैक्ट जो है कंपनी के अर्निंग्स पर रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है। 20 करोड़ की आय थी पिछले साल इसी तिमाही में और इस बारी कंपनी ने 62 करोड़ की आय दर्ज की है, लगभग 3 गुना जो है कंपनी की आय हो चुकी है। और डेफिनेटली अगर आप देखिए तो कंपनी का कामकाजी घाटा था 5.5 करोड़ रुपए का और इस बारी 10.5 करोड़ का कामकाजी मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया है। साथ ही कंपनी का जो घाटा था अगर आप बॉटम लाइन की बात करें 14.5 करोड़ का, इस बारी 2.5 करोड़ का मुनाफे के रूप में निकल कर आया है। तो हर एक फ्रंट पर कंपनी ने काफी ज्यादा दमदार प्रदर्शन किया है और आपको अगले 6 महीनों के लिए, क्योंकि जिस तरह की अनलॉकिंग हो रही है, आगे आने वाला जो फेस्टिव सीजन है और पर्टिकुलरली अगर आप देखें तो जिस तरह से वेडिंग सीजन आगे आने वाले हैं, इससे इनको काफी ज्यादा अर्निंग्स में बूस्ट मिल सकती है। तो अगले 6 महीनों के लिए आप डेफिनेटली इसमें निवेशित रहिए और 140-150 रुपए के लेवल्स आपको कंफर्टेबली स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो यहां पर आपको नजर रखें।